दोस्तों, सबसे पहले सिवान की इस पावन भूमि को जिसने एक से एक वीरों को पैदा किया है, वीरांगनाओं को पैदा किया है, सिवान की इस, आप लोग हट जाइए, आपको हम बाद में सुना देंगे, जनता को सुनाने दीजिए, हट जाइए प्लीज। बीएसएनएल बिक रहा है, एमटीएनएल बिक रहा है,
रेलवे बिक रहा है, भारत पेट्रोलियम बिकने को कगार पे है, देश की सरकारी कंपनियां सरकार बेच रही है और प्राइवेट कंपनी के बारे में जियो धन धनाधन कह रही है। कि हमको समझना पड़ेगा कि ये जो खेल देश के भीतर चल रहा है कि सरकारी कंपनियां ठीक से काम नहीं करती हैं, तो मेरे मन में सवाल आता है कि जब सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी BSNL नहीं होना चाहिए, सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे? ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि देश की जनता टैक्स देती है, टैक्स सरकारी खजाने में जाता है, सरकारी खजाने के पैसे से सरकारी कंपनियां चलती है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों का 1,76,000 करोड़ कर्जा माफ किया जा रहा है। और हमारा नजर, हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए, हम ये ना सोच पाए कि 45 साल में देश सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों हो गया है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या आज क्यों हो रही है। अभी एक अखबार में आया कि इस देश में पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, जो नौकरी कर रहे थे। हमको नौकरी नहीं मिला है तो कई बार माँ कहती है कहीं काम ढूंढ लो, जब देखो तब रोटी तोड़ने के लिए आ जाते हो। तो मैं माँ को कहता हूँ, देखो माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर मेरिट नहीं है, मेरिट है, सच्चाई ये है कि नौकरी ही नहीं है। नेताजी के बेटा का कैरियर सेट है कि नेताजी के बाद उनका बेटा नेताजी बन जाएगा। अमित शाह का बेटा बड़ा मेरिट वाला है, बाप जैसा मुंह लगता है देखने को, यही उनका क्वालिटी है ना। तो जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत मेरिट वाला है। आप नौजवानों को यह बात समझनी चाहिए कि जो लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, नौजवानों ने आत्महत्या करने की जरूरत है। मैं कहता हूं आत्महत्या मत करिए, अगर मरना ही है तो इस निकम्मी सरकार से लड़ करके मरेंगे, अपना चेहरे नहीं देंगे। मगही में एक कवि हुए हैं जिनका नाम है मथुरा प्रसाद नवीन। मथुरा प्रसाद नवीन ने एक कविता लिखी है मगही में, जुल्मी बढ़ लो तहू बढ़ जा, जुल्म बढ़ा है आप भी बढ़ जाइए, जुल्मी बढ़ लो तहू बढ़ जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ जा, दुश्मन की छाती पे चढ़ जाइए। भूख से तरफ के मरवा का है, भूख से तरफ के क्यों मरिएगा, मरने होते लड़के मरी जा। क्यों मरेंगे भूख से, ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके ये तिरंगे को आजाद कराया था, जिस तिरंगे को हम शान से आज अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जिस संविधान को आप अपने सीने से लगाए हुए हैं, वो संविधान हमको ये ताकत देता है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी खड़ा होकर के अमित शाह के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम सरिपार हो, सरिपार हो। ये ताकत हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये संविधान नहीं रहे, ये चाहते हैं कि देश को हिंदू और मुसलमान में फंसा दिया जाए और देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको अपने दोस्तों के हाथ में बेच दिया जाए। ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको दुश्मनी करने के लिए, नफरत करने के लिए कुछ दे दिया जाए। मेरा नाम कन्हैया है, मैं अपने बहुसंख्यक समुदाय के दोस्तों से कहना चाहता हूँ, दोस्त अगर तुम किसी समुदाय से नफरत करोगे ना तो तुमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है, ये साजिश वैसी ही है जैसी अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ रची थी। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान इकट्ठा हो गए तब तो इस देश पे राज करना संभव नहीं है। इसीलिए उनका तरीका क्या था, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाते थे और गाय का मांस मंदिरों में फिकवाते थे। आज जो ये सरकार है क्या उसी तरह से 200
समुदाय के बीच में नफरत फैला रही है कि नहीं फैला रही है? आपको यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया है देश में, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि दिन रात टीवी में हिंदू और मुसलमान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हैं जवान, इसीलिए आपके चैनल पे आता है दिन रात हिंदू और मुसलमान। आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलने के कारण आई लव यू भेजे जा रहे हैं, लेकिन आई लव यू टू जो नहीं आ रहा है, और आई लव यू टू आ गया है लेकिन आई विल मेनी यू का जवाब नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी क्यों नहीं है? नौकरी इसलिए नहीं है कि कोई, आप समझते होंगे कि नौकरी हमारी इसलिए जा रही है कि हम मस्जिद जाते हैं और वो मंदिर जाता है। ना भैया ना, नौकरी इस आधार पे नहीं जा रही है। नौकरी इस आधार पे जा रही है कि इस देश के भीतर जो आर्थिक नीति बनाई गई है, उस आर्थिक नीति के तहत सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है और अपने निजी दोस्तों के हाथों लुटा रही है। इस नीति के चलते नौकरी जा रही है। नौकरी इसलिए जा रही है कि जो सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के चलते आप दिन रात तैयारी करते हैं, दरोगा का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र तो लीक हो गया है। आप किसी बहाली में जाते हैं, आप पूरा फिट हैं, अच्छा से अपना दौड़ मारे हैं, अच्छा से जो आपने जो है अपना गोला फेंका है, अपना हाइट आपका ठीक है, आपका वजन ठीक है, आपका सीना ठीक है, लेकिन फिर कहेगा कि आपका बायां पैर का अंगूठा टेढ़ा है। अब 3 लाख रुपया दे दीजिएगा तो वही टेढ़ा अंगूठा सीधा हो जाता है। ये होता है में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये सारे जो नफरतवादी चीजें हैं वो आज हमारे दिमाग में डाली जा रही है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताता हूँ। 3 करोड़ 16 लाख लोगों की जो नौकरी गई है वो सिर्फ मुसलमान की नौकरी गई है कि हिंदू की भी नौकरी गई है? जो 12,000 किसान आत्महत्या किए हैं वो सिर्फ मुसलमान है कि हिंदू भी है? और कोई जब बीमारी देश में फैलती है तो उसका शिकार सिर्फ हिंदू होगा कि मुसलमान भी होगा? दोनों होगा ना। जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं सब होंगे ना, सभी जात के लोग होंगे ना, सभी धर्म के लोग होंगे ना। तो आप सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, CAA, NRC, NPR प्लेग है, प्लेग। अपने दिमाग में आज इस बात को डाल लीजिए। और अगर ये प्लेग समाज में फैलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमान को इससे दिक्कत होगी, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, बौद्धों को भी, जैनियों को भी इससे दिक्कत होने वाला। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमित शाह अपनी रैलियों में जाते हैं और जनता से पूछते हैं कि क्या हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? तो जनता उधर से जवाब देती है देनी चाहिए। मैं भी एक सवाल आपसे पूछता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या आप लोग किसी को नागरिकता देने के खिलाफ है? नहीं है ना। तो हम लोग भी किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं। मामला क्या है? मामला ये है कि CAA किसी को नागरिकता देने का सवाल नहीं है। असल NRC और NPR से लोगों की नागरिकता छीनने का सवाल है। और मैं अमित शाह को यहाँ खड़ा होकर के सिवान की इस ऐतिहासिक धरती से कहता हूँ, ए मोटा भाई, जितना संभव है बिहार की धरती है, और बिहार की धरती से तुमको आह्वान करते हैं, तुमको ऐलान करते हैं, तुमको जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन तुमको इस देश में किसी की भी नागरिकता छीनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और इसीलिए हम लोग एक यात्रा निकाले हैं। ये यात्रा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से चलनी शुरू हुई है। ये यात्रा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इसमें शामिल हूँ, अलग अलग जिले के लोग इसमें शामिल हैं। और जो CAA, NRC, NPR विरोधी संघर्ष मोर्चा है, उस मोर्चे की तरफ से ये यात्रा निकाली गई है।
और विभिन्न जिलों में होते हुए जैसे आज हम सिवान पहुंचे हैं, आने वाली 29 तारीख को हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे और हमारा नारा है हमारा देश हमारा संविधान बापू धाम से गांधी मैदान। और हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आपसे अपील करने के लिए आए हैं, आपको न्योता देने के लिए आए हैं। आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं कि नहीं है? तो 29 तारीख को पटना आएंगे ना? उस दिन हो सकता है कि बस और ट्रेन बंद कर दिया जाए, हो सकता है ना? तो एक हमारा दोस्त है, उसने एक कविता लिखी है, तुम मेट्रो बंद कराओगे हम पैदल पैदल आएंगे कागज नहीं दिखाएंगे। तो अगर बस और ट्रेन बंद भी हो जाए तो इस बात का कोई आपको जो है चिंता नहीं करनी है, इस बात का ख्याल नहीं करना है कि नेताजी हमारे लिए बस का व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे। नेताजी ना करें, बाहर न जाए, हम पैदल आएंगे और पटना के गांधी मैदान को फोड़ देंगे, बड़े बनेंगे। और एक बात और, ये लड़ाई किसी को नेता बनाने का लड़ाई नहीं है। हम गांधी मैदान किसी को एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये लड़ाई किसी का राजनीतिक कैरियर चमकाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, ये जो तिरंगा आपके सामने है, इस तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। और आज अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, अच्छा बाबा जी ये बताइए कि जब देश के संविधान पे सीएनआरसी और एनपीआर के रूप में हमला हुआ था तो आप क्या कर रहे थे? तो आप कहिएगा कि हम सिवान की सभा में गए थे, अपना दुकान बंद करके, अपना काम छोड़ करके, अपना खाना बनाना, अपना घर छोड़ करके, अपने छोटे छोटे बच्चों को तुमको गोद में लेकर के गए थे भाषण सुनने के लिए। और उसके बाद हमने संकल्प लिया था कि चाहे जो हो जाए, चाहे हमारी गर्दन कट जाए या हमारे ऊपर गोली चला दी जाए, हमारे को जेलों में भर दिया जाए, लेकिन हम इस काले कानून को हरा करके छोड़ेंगे। और आखिर पटना के गांधी मैदान में जमा होकर के हमने ये लड़ाई जीती थी। बोलिए, संकल्प आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये लड़ाई हम लोगों को जीतनी है। और ये लड़ाई हम लोगों को क्यों जीतनी है? क्योंकि इस लड़ाई से हमको इस देश की सरकार को एक संदेश देना है। देखिए, सरकार क्या है ना, हमारे वोट का मोहताज है। सरकार आनी जानी है, आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी। हमको सरकार के बनने और बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, सरकार जो हमारे वोट का मोहताज है, ये अधिकार अगर कोई हमको देता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान हमको ये अधिकार देता है। उस संविधान की प्रस्तावना का पहला पंक्ति जो कहता है हम भारत के लोग, तो वो जो हम भारत के लोग की संकल्पना है, उस संकल्पना में इस बात का कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि कौन नमाज पढ़ता है और कौन पूजा करता है। ये सभा है, इस खुली सभा में आप देख लीजिए, आज लोग जुमा का नमाज अदा करके भी आए हैं और सरस्वती पूजा का विसर्जन करके भी आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। कि इस हिंदुस्तान में राम के ऊपर लिखा गया जो सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, उसको मोहम्मद रफी ने गाया है, एक मुसलमान ने गाया है। ये हिंदुस्तान है कि जिस तिरंगे को आप लेकर के आप चल रहे हैं, जिसमें हर रंग है, हर चीज का प्रतीक है, ये उस तिरंगे को बनाने वाला, उसका डिजाइन तैयार करने वाला एक मुसलमान है। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसकी पटकथा लिखने वाला एक मुसलमान है, राही मासूम रजा। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में गाना लिखता एक मुसलमान है, उसका संगीत एक मुसलमान देता है, उसको गाता एक मुसलमान है, वो बजता हिंदुओं के मंदिर में है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और हमारा जो हिंदुस्तान है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी, ये आजादी हमको दिलाई थी, ये तिरंगे को का लाज बचाया था, वो जो शहादत है, जिसको हम कहते हैं साझी शहादत, वो जो शहीद है, जो दोस्ती थी उनकी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की, एक मुसलमान और दूसरा ब्राह्मण, दोनों मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमे थे। उनकी जो दोस्ती है,
उनकी दोस्ती को हम ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है उसको तोड़ने नहीं देंगे। यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि देश किसी भी सरकार से बड़ी होती है, देश किसी भी पार्टी से बड़ी होती है, देश किसी भी विचारधारा से बड़ी होती है, और देश का इतिहास किसी पार्टी के इतिहास से ज्यादा पुराना होता है। इसीलिए देश के सामने हम किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा या किसी भी व्यक्ति की चाटुकारिता, चपलूसी या गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको हम कहेंगे कि आपने उनको दिल दे दिया है तो दे दीजिए, आपका दिल है, जिसको देना है दे दीजिए। एक कहावत है ना, दिल आया गधी पे तो परी का क्या करेंगे। जिनको मोदी जी अच्छा लगते हैं उनसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन उनको हम बस एक बात कहना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं होता है कि किसी से नफरत करना शुरू कर दें। आपको जिसको भी वोट देना है आप दीजिए, आपको जिसको भी मोहब्बत करनी है आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है, आपके दिमाग में ये नफरत भरा जा रहा है कि ये देश किसी एक समुदाय का है, तो कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश हम सबका है। इसीलिए देश के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत का लोग लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि हम ब्राह्मण, हम दलित, हम अगरा, हम पिछड़ा, हम मुसलमान, हम हिंदू, हम महिला, हम पुरुष, ये नहीं लिखा गया है। लिखा गया है हम भारत के लोग, और ये जो हम भारत के लोग की संकल्पना है इसको हम सब मिलकर के लपचाएंगे। इसके ऊपर चाहे जो भी हमला हो, चाहे जितनी भी गोलियां चलाई जाए, सीने में कुछ तमाम वार को सहेंगे, लेकिन देश के तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए सरकार को हम चुनौती देना चाहते हैं कि सरकार या तो इस काला कानून को वापस ले, अगर सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेगा तो मोटा भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बोला है कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो सुन लो मोटा भाई, हम लोग भी जिद्दी बिहारी हैं। एक इंच तो क्या, पूरी जमीन तुमको छोड़ करके वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम्हारा दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। देश की जनता जब सड़कों पर उठ करके खड़ी हो गई है तो सरकार को उससे डरना चाहिए, और सरकार को यदि डर नहीं लग रहा है तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अंग्रेजों को भी कभी यही लगता था, भारत में रहते थे, भारत का खाते थे, भारत को लूटते थे और लिखते थे अपने दफ्तर के बाहर कि कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश वर्जित नहीं है, प्रवेश वर्जित है। तो आज अंग्रेजों का हस्त क्या हुआ है, अगर हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, महिला पुरुष, भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले एकजुट होकर के अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तुम तो फिर भी अंग्रेजों का सस्ता फोटो कॉपी हो। जब तुम्हारे पोस को हरा सकते हैं तो तुम तो फिर भी चाटुकार हो। जब हम लोग ओरिजिनल वर्सेस से नहीं डरे थे ना, तुम तो पायरेटेड कॉपी हो यार, तुमसे क्या डरेंगे। तुमसे हम कभी भी आमने सामने करने के लिए तैयार हैं। बस इसमें दिक्कत एक बात की है कि बड़े चालाकी से इसमें झूठ बोला जा रहा है, उस झूठ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे नोटबंदी के वक्त क्या कहा गया कि नोटबंदी अगर लागू हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, तो लोगों ने समझा कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो हमारे जनधन के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पहुंचा क्या, कितने लोगों को 15 लाख मिला है, आपको तो नहीं मिलेगा। आप कन्हैया कुमार की रैली में आए, आपको तो नहीं मिलेगा। जो मोदी जी की रैली में जाते हैं जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि यार 15 लाख आया खाते में। आप देख लीजिए कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है। नोटबंदी के बाद ये कहा गया कि नोटबंदी जब लागू होगी तो काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आतंकवाद का ऐसा कमर टूटा है कि आतंकवादी लोग आजकल पुलिस ऑफिसर से ही लिफ्ट लेने लगा है। वो देवेंद्र सिंह पकड़ा गया है ना, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ है, देवेंद्र सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा
तो आपके खिलाफ आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। तो एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इस दौर में सरकार का विरोध करना, सरकार के खिलाफ लड़ना, सरकार के खिलाफ सड़कों पर लाठियां खाना, सरकार के खिलाफ जेलों में जाना, सरकार के खिलाफ गोली खाना ही देशभक्ति है। अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों की नीतियों पर चल रही है, और अगर ये सरकार अंग्रेजों की नीतियों पर चल रही है तो इस सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, तुम अगर जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो हम चंद्रशेखर आजाद की तरह शहादत देने के लिए तैयार हैं। और इस सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, अगर तुम हमसे हमारी नागरिकता मानते हो तो हम कहते हैं कि तुम्हारा सरकार होने का वैलिडिटी समाप्त हो गया है। हम तुमको कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो यह सरकार, हम तुमको सरकार नहीं मानते, अपने दिमाग में डाल दो। हम तुम्हारे साथ और सहयोग करेंगे। और तुम जिस तरीके से नोटबंदी के वक्त झूठ बोले थे, आज तुम एनआरसी और एनपीआर के वक्त भी झूठ बोल रहे हो, और उस झूठ को जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक इंसान को बताएंगे कि यह सरकार झूठ बोलती है, झूठा सरकार है ये, यह जनता को जाकर के बताएंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सीएए से हम नागरिकता देना चाहते हैं। ये झूठ है। ये झूठ कैसे है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सीए से इनको नागरिकता देने का मन होता तो सीए का कानून 2019 में नहीं पास होता। 2003 में ये लोग नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आए थे। तो जब 2003 में कानून बना दिए तो 2019 में बनाने का क्या जरूरत है? तो इसके पीछे खेल है। खेल क्या है कि आसाम में जब एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया, और वो जो 19 लाख लोग थे, उस 19 लाख लोग में से अंदाजा लगाइए कि कितना मुसलमान होंगे। आपको सही सही इंफॉर्मेशन है? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए हैं क्या? 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम बाहर हो गया। कैलकुलेशन उल्टा पड़ गया। दिन भर जो लोग दंगा कराते हैं, दंगा भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो वोट इसी हिसाब से जोड़ते हैं कि कैसे चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाया जाए। तो उनको लगा तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ गया। जब 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमान सिर्फ आसाम में एनआरसी से बाहर हुए हैं, तो जब पूरे देश में एनआरसी लागू होगा तो कितने करोड़ लोग बाहर होंगे? अगर करोड़ों गैर मुसलमान एनआरसी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो मोदी जी का हिंदू हृदय सम्राट का जो चोला है वो उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? तो चूहा गया फर्स्ट, चूहा गया आटा खाने, और चूहा चूहेदानी में फंस गया। तो लगा कि चूहा को निकलेंगे कैसे? तो चूहा कहा कि एक उपाय है, सीए लेकर के आते हैं। सीए जब लेकर के आएंगे तो यह बात तो फैल गई, खास करके आसाम और बंगाल में। आगे बंगाल का चुनाव है, इनको मन है कि दीदी को हरा करके दादा का सरकार बना दे वहां पे। तो इनको लगा कि आसाम में जो एनआरसी की लिस्ट जारी हुई है इससे तो हम बंगाल का चुनाव हार जाएंगे। तब जाकर के ये सीए लेकर के आए ताकि हिंदुओं को यह समझाया जा सके कि देखो तुम टेंशन मत लो कि मियां जी को ठीक करने के लिए लाए हैं। एनआरसी और एनपीआर जो है कि मियां जी को ठीक करने के लिए लाए हैं। अगर तुम्हारा नाम कागज की गलती की वजह से बाहर हो जाएगा तो तुमको सीए की तहत नागरिकता दे देंगे। उल्लू बना रहे हैं गुरु, हैं? बेवकूफ बना रहे हो। मेरा नाम कन्हैया है, मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं, और मेरे बाबूजी का नाम मेरे सर्टिफिकेट में जे ए आई है, और मेरे छोटे भाई के सर्टिफिकेट में जे ए वाई है। आप देखना चाहते हैं तो हम दिखा देंगे, मोदी जी की तरह हम डिग्री नहीं छुपाते हैं। जे ए आई है और भाई के सर्टिफिकेट में जे ए वाई है। अब बाबूजी का सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा कि उसमें आई है कि वाई है। जब तक हम आई को वाई करवाएंगे या वाई को आई करवाएंगे
हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदुओं का भी नाम एनआरसी से बाहर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है, अरे सुन लीजिए ना, मुंह देखना कौन जरूरी है, अमिताभ बच्चन है, जाने दीजिए ना। तो अब जब करोड़ों हमारे जैसे कई हिंदुओं का भी नाम बाहर हो जाएगा, तो उनको ये समझा रहे हैं, उनके दिमाग में ये भरम डाल रहे हैं कि सीए के साथ नागरिकता ले लेना। तो पहले आप ये कहिएगा ना भाई कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, पहले ये स्वीकार कीजिएगा ना, तब ना नागरिकता दी जाएगी। तो अभी आप सिवान के हैं, अभी आप बिहार के हैं, आपको ये कहना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से आए हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? तो बाप दादों की जमीन पे जो आप पान खा करके ऐसे हाथ टहला के घूमते हैं ना, वो जमीन आपके पास नहीं रहेगी। वो जमीन आपके पास इसलिए नहीं रहेगी कि वो जमीन तो आपके पास 47 के पहले से है, तो आपके ऊपर जो धार्मिक प्रताड़ना हुई है वो तो 47 के बाद का है। तो वो जमीन अपने आप जो भाजपा के लिए बूथ का लूटता है और बूथ को मैनेज करता है, अपने आप वो आदमी सहयोग लेकर के, लथर्ट लेकर के आएगा और आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। ये अपने दिमाग में पहले डाल लीजिए। और बात इतनी ही नहीं है, जब तक आपका नाम एनआरसी से बाहर रहेगा और जब तक कि आपको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी, तब तक आपको सरकार चुनने का भी अधिकार नहीं है। तो जब वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो 500 रुपया आपको वोट के वक्त देगा पार्टी? पोलिंग एजेंट बनाएगा आपको, खाली रैली में बुलाएगा भीड़ जुटाने के लिए? ये सोच लीजिए, ये इतना बड़ा खेल है जिस खेल को जानबूझ करके हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। जो भी मुसलमान किसी चीज का विरोध करेगा तो हिंदुओं बोलेगा, अरे इससे हमको क्या दिक्कत है? इससे हमको दिक्कत है, हमको दिक्कत इसलिए है कि हमारा कागज भी ठीक नहीं है और इस देश में हमारे जैसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका कागज ठीक नहीं है। बोलिए कितने लोगों का जन्मदिन आपके सर्टिफिकेट पे ओरिजिनल लिखा हुआ है? कितने लोगों का लिखा हुआ है? हम नहीं जानते हैं बिहार में क्या होता है। सब कोई दूसरे साल अपना जन्मदिन घटाता है कि नहीं घटाता है? जन्मेगा 85 में और लिखेगा 87, जन्मेगा 87 में लिखेगा 89, होता है कि नहीं होता है? यही बात समझने की जरूरत है कि कागज आप अपने घर में नहीं बनाते, कागज सरकारी दफ्तरों में बनता है। और सरकारी दफ्तर में कागज कैसे बनता है? जाति प्रमाण पत्र फ्री में कौन बनाया? जरा हाथ उठाइएगा। आवासीय प्रमाण पत्र किसका फ्री में बनता है? अरे स्थिति तो ये है कि जन्मिएगा तब सर्टिफिकेट लेने के लिए जाइएगा तब भी पैसा दीजिए, और मरिएगा तब सर्टिफिकेट लेने के लिए जब आपका परिवार जाएगा तब भी पैसा दीजिए। ये रियलिटी है। और कागज के आधार पे आप इस देश के लोगों की नागरिकता साबित करेंगे तो अपना कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है, देश के लोगों से कागज मांग रहे हैं। असल खेल क्या है वो समझ लीजिए। आप लोग बार बार सरकार से कह रहे थे कि सरकार ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, ऐ सरकार ये बताओ कि हमको 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली। तो सरकार कहा कि अच्छा बेटा, नौकरी चाहिए, पहले ये बताओ तुम नागरिक हो कि नहीं हो। किसको कहते हैं कि बच्चा को जोर से भूख लगा, अब बच्चा गया पप्पा के पास, दैती दैती बिस्कुट, पप्पा कहा अच्छा बिस्कुट, उठा करके उसको गोदरेज में बैठा दिया। अब बच्चा दैती दैती बिस्कुट नहीं कह रहा है, कह रहा नीचे उतार दीजिए, नीचे उतार दीजिए। इससे पहले आप आंदोलन कर रहे थे कि रसोई गैस का दाम कम कर दीजिए, इससे पहले आप आंदोलन कर रहे थे कि किसानों की जो आत्महत्या हो रही उनके फसल का दाम बढ़ा दीजिए, नौजवानों को नौकरी दे दीजिए, महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हो रहा है तो बलात्कारियों को उनके ऊपर सजा कीजिए, बलात्कारियों को जेल में डालिए। तो सरकार का आदमी लोग बड़ा आंदोलन करता है, ऐसा करो इससे इसका नागरिक होने का कागज मांग लो, उसके बाद ये अपना नागरिकता साबित करने में लागू हो जाएगा। हुआ है ऐसा कि नहीं? व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नहीं? सब अपना अपना कागज ठीक कराने लगे कि नहीं? एक बार जान लीजिए, कागज आप ठीक कराना है करा लीजिए,
आपकी इच्छा है, लेकिन कागज आपके पास रहेगा ना, तब भी अगर पुलिस को मन होगा आपसे फाइन लेने का तो वो ले ही लेगा। पूछिए कैसे। तो मान लीजिए कि आपको पुलिस पकड़ ली, बाइक लेकर के आप जा रहे थे, कहेगा कागज दिखाओ, तो आप कागज दिखाइएगा, कहेगा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाइएगा, कहेगा इंश्योरेंस का है, जब इंश्योरेंस दिखाइएगा तब कहेगा सब कुछ तो ठीक है, पॉल्यूशन कहाँ है ये दिखा। अरे सरकार कैसे काम करती है इसको हम लोग से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है, क्योंकि दिन रात इसको हम लोग झेलते हैं। कागज आप बनवा लीजिए आपका मन है तो, कागज तो मेरे पास भी है, हम सरकार को अपना डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, सरकार बताए तो हमको कब नौकरी देने के लिए तैयार है। ये बेईमानी है, और ये बेईमानी कैसे खेली जाती है उसको समझ लीजिए। जादू देखे हैं तो जादू को क्या करता है, गिली 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 करता है ना, और जब तक आप गिली 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 देखते हैं तब तक डब्बा बदल देता है। ये बात हमको बहुत बाद में समझ में आई। पूछिए कैसे। तो एक बार जादूगर जादू दिखा रहा था और कागज से पैसा बना रहा था, हमको लगा कि बड़ा गजब जादू है, सीख लेते हैं, पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, किताब सही पैसा बना देंगे, कॉपी सही पैसा बना लेंगे। तब देखे कि जादू जब खत्म हो गया तो जादूगर पैसा मांगने के लिए आया। मेरे मन में सवाल आया, हम बोले आए जादूगर साहब, आप तो कागज से पैसा बना लेते हैं, पैसा हमसे मांग रहे हैं, ऐसा कीजिए हम आपको कागज दे देते हैं, आप पैसा बना लीजिए। तो जादूगर बोला चुप, पूर्व बोलाई का है एकदम चुप, बोला कि कागज से अगर हम पैसा बना लेते तो नुक्कर नुक्कर हमको जादू दिखाने का कौन जरूरत था। समझे, समझे कि नहीं समझे। सरकार के पास कोई जादू नहीं है, सरकार के पास कोई जादू नहीं है, और सरकार जो चला रहे हैं वो कोई भगवान नहीं है। आप प्रचार का शिकार हो गए हैं ये अलग बात है, कि आपको रोज प्रचार ये दिखाया जाए कि फेरन लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। आपको ये लगता जरूर है कि मोदी जी आए हैं तो देश का भला कर देंगे, कितना भी फेरन लवली आप मुंह में घस लीजिए आप गोरा नहीं होने वाले हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि ये रोज कमजोर होती जा रही है, रोज लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ रही है। इसीलिए वो जादूगर ने क्या किया है, CAA NRC और NPR में इस देश को उलझा करके, देश की जनता इसमें उलझी रहे, हिंदू मुसलमान करता रहे, इस बीच वो अपने दोस्तों के हाथ इस देश की अर्थव्यवस्था को लुटाते रहे। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई सीधे सीधे अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। और फिर मैं कहता हूं कि नोटबंदी के वक्त कितना अरबपति आपके साथ बैंक में लाइन में खड़ा था, नहीं था ना। उसी तरह से CAA NRC और NPR के वक्त भी जो अरबपति और करोड़पति हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी बाबू कागज बना करके उनके घर में पहुंचा देगा, परेशानी किसको उठानी पड़ेगी।